Good morning, dear student. Today I will be explaining how to write number from 601 to 700. Let's start. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, and 610. 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 and 620. ऐसे ही आप पूरी 700 तक इस काउंटिंग को कंप्लीट करेंगे. And see the next question is D. Fill in the boxes. हमें इस बॉक्सेस को फिल करना और इसमें काउंटिंग की सीरीज को कंप्लीट करना. फॉर एग्जाम्पल 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 एंड 310. 405 का 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 एंड 413 एंड 414. 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 एंड 606. 626 के बाद 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 एंड 635. एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म. 5 हमारा क्या होता है वंस, 4 हमारा टेंस और 3 हमारा क्या होता है हंड्रेड्स. तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि उसको प्लेस वैल्यू में एडिशन फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. अब देखिए 3 आपका क्या है हंड्रेड, 4 क्या आपका टेंस और 5 क्या आपका वंस. तो हाउ मेनी डिजिट इन ए वंस, 1 एंड टेंस में 2 एंड 3 में 100. तो ये देखिए 407, तो आपका इसमें 4 क्या है आपका 4 हंड्रेड्स एंड 0 क्या है आपका टेंस एंड 7 क्या हो गया आपका वंस. अब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, 400 क्योंकि 100 में हाउ मेनी डिजिट 3, तो 1 2 3 हो गई. टेंस में तो 0 एंड 7 वंस. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 400 एड बाय 7, ठीक है. सेकंड है 4 572, तो 500 7 tens एंड 2 ones. तो आपका क्या हो गया 570 एंड एड बाय 2. डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. थैंक यू.